हमारा आज का टॉपिक है वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। वर्क कार्य अध्ययन का मूल उद्देश्य न्यूनतम प्रयास और लागत द्वारा अधिकतम उत्पादन करना होता है तथा संपादित हो रही वर्तमान कार्यविधियों का में सुधार करके व मानव श्रम का व्यवस्थित उपयोग करके प्रोडक्शन कास्ट को न्यूनतम किया जा सकता है। इसके लिए वर्क स्टडी बहुत ही यूजफुल होती है। इसकी डिफिनीशन क्या है? कार्य अध्ययन एक विधि है जिसके द्वारा उत्पादन में सुधार तथा प्रक्रम को सरल किया जाता है। विधि दशाओं तथा श्रम का विश्लेषण करके ऐसी विधि विकसित करना होता है जिससे मानव श्रम का उपयोग अधिकतम मितव्ययी ढंग से किया जा सके। यह वर्क स्टडी कहलाती है। वर्क स्टडी में उद्योगों में संपादित हो रहे कार्यों को सरल सुगम बनाकर बिना अधिक धन व्यय किए हुए उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना होता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता निम्न चीज़ों में है। बैंकों, अस्पतालों, रेल सेवा तथा खेलकूद के साधनों के डिज़ाइन में, उद्योगों में उत्पादन कार्यों, शोध व घरेलू विकास कार्यों में, गृह कार्य, रसोई घर व घरेलू सामान तथा यंत्र आदि के डिज़ाइन में, भवन निर्माण में, मटेरियल हैंडलिंग व ट्रांसपोर्टेशन में आदि है। अब प्रोडक्टिविटी हमारा, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? उत्पादकता उत्पादन तंत्र की दक्षता को प्रदर्शित करता है। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें इनपुट में मैन, मटेरियल, मशीन, मनी मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड एनर्जी है, ट्रांसमिशन प्रोसेस है और फाइनल एक हमारा आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारे टेक्निक्स हैं, कंपोनेंट्स और टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। तो इसमें उपयोग के आधार पर इस अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेथड स्टडी, इसको कार्यविधि अध्ययन कहते हैं। दूसरा वर्क मेजरमेंट, कार्य समय मापन कहते हैं। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। अगर आप मेथड स्टडी की बात करें तो इसमें तो सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। इसमें सारा का सारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हमारा जो मेथड है सिंपल जॉब को सिंप्लीफाई करना होता है और ऐसा मेथड डेवलप करना होता है जिससे काम को और इकोनॉमिकल ढंग से, मितव्ययी ढंग से किया जा सके। दूसरा है वर्क मेजरमेंट, इसमें टाइम स्टडी भी कहते हैं। इसको टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ऑपरेशन, इसमें एक ऑपरेशन को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए इस चीज़ का पता लगाते हैं। यानी ये टोटली जो है वो टाइम बेस्ड है, कितना एफिशिएंटली किसी काम को किया जा सकता है। तो इन दोनों को मिला के हमें उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे हमारे मेथड स्टडी की। तो मेथड स्टडी के अंतर्गत इसमें सबसे पहले उस कार्य को चुना जाता है जिसमें सुधार करना हमारा उद्देश्य होता है। इससे आवश्यक श्रम, समय तथा गतियों को दूर करके, इसमें अनावश्यक श्रम, समय तथा गतियों को दूर करके उत्पादन लागत को कम किया जाता है तथा उत्पादन दक्षता बढ़ाई जाती है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? कार्यविधि अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, कार्यस्थल पर ही डिज़ाइन व लेआउट में सुधार करना। सेकेंड है, वर्क प्रोसीजर के दक्षता में सुधार करना। मैन, मटेरियल, मशीन का प्रभावकारी उपयोग। फाइनल प्रोडक्ट के डिज़ाइन अथवा विशिष्टियों में सुधार। ऑपरेटरों की थकान को कम करना। वर्किंग कंडीशन में सुधार करना। मटेरियल हैंडलिंग को प्रभावी, इफेक्टिव, फास्ट व एफिशिएंट बनाना। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। कैपिटल के अपव्यय में कमी। श्रम व श्रम प्रयास को उपयोगी बनाना। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। उत्पादन लागत को कम करना। प्लांट की उपयोगिता तथा सामग्री की उपयोगिता में सुधार करना। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल है या बेसिक प्रोसीजर में क्या है, देखते हैं इसको। कार्यविधि अध्ययन की मूल पद्धति को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। सबसे पहले सिलेक्शन, हमें उस वर्क को या उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। सेकंड, उसमें रिकॉर्ड द डाटा, उससे जुड़े सारे डाटा को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमारा अगला है एग्जामिन द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं तथ्यों को उसमें मूल्यांकित करना है।
डेवलप द बेस्ट मेथड, सर्वोत्तम विधि को विकसित करना है, उसको डिफाइन करना है और उसको फिर इंस्टॉल करना है, मतलब उसकी स्थापना करना है, और सबसे लास्ट स्टेप है उसको लागू करना। तो ये हमारा कुछ जो मूल सिद्धांत थे, मूल पद थे, बेसिक प्रिंसिपल थे कार्यविधि अध्ययन से जुड़े हुए, इनको हमने डिस्कस किया इसमें। अगला हमारा है स्टैंडर्ड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और मेथड्स। इसमें मूल रूप से तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, पहला है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सेकंड है टेक्निकल कंसिडरेशन एंड थर्ड है ह्यूमन कंसिडरेशन। तो आर्थिक पहलुओं में क्या है कि किसी प्रोसेस से जुड़े हुए जो हमारे कैसे उसमें जो हमारा मनी का रोल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। टेक्निकल कंसिडरेशन में हम इसमें जो हमारी टेक्निक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके या कुछ और मेथड का यूज करके नई मशीनों का उपयोग करके कैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और थर्ड है ह्यूमन कंसिडरेशन जो हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। अगला हमारा है प्रक्रम विश्लेषण, प्रोसेस एनालिसिस। प्रक्रम विश्लेषण पूरे वर्क साइकिल का ऑल ओवर अथवा विहंगम चित्र प्रस्तुत करता है। प्रक्रम विश्लेषण के उपरांत ऑपरेशन एनालिसिस द्वारा कार्यविधि के एक भाग को का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसके लिए हम बहुत सारे चार्ट्स वगैरह का उपयोग करते हैं। तो अब पहला हमारा चार्ट है कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम। तो पहले जानते हैं प्रोसेस चार्ट क्या होता है। प्रक्रम चार्ट बनाने के लिए पांच प्रतीकों चिन्हों का उपयोग किया जाता है जो सभी कार्यों का पूर्ण वर्णन करने में समर्थ है। पहला ऑपरेशन इसको एक सर्कल से दिखाते हैं, अगर कहीं किसी प्रोसेस में ऑपरेशन का कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हम सर्कल से दिखाएंगे। सेकेंड है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन को हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, अगर कहीं इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसको एक रेक्टेंगल द्वारा शो किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अगला है, इसको एक एरो से दिखाते हैं। डिले को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। स्टोरेज को हम एक ट्रायंगल से दिखाते हैं जिसका बेस अप रहता है और अपेक्स या कोन उसका नीचे रहता है। तो इस तरीके से हम ये हमारे पांच सिंबल हैं जो हमारे सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला है हमारा है फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम बनाने के लिए निम्न पदों को अपनाया जाता है। पहला है एक निश्चित पैमाने पर पूरे कार्य क्षेत्र का आरेख बनाया जाता है, सभी मशीनों औजारों बेंचों रैक निरीक्षण बूथ आदि के सापेक्षिक स्थिति को अंकित कर लिया जाता है। थर्ड है मटेरियल अथवा वर्कर की क्रमबद्ध गति को आरेख पर प्रतीक चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला है टाइप ऑफ प्रोसेस चार्ट्स एंड डायग्राम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ के जो प्रोसेस चार्ट्स हैं वो हैं, पहला ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, सेकंड है फ्लो प्रोसेस चार्ट, थर्ड है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में बेसिकली हम डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। फ्लो प्रोसेस चार्ट में जो भी हमारा फ्लो है मैन का मटेरियल का ऑपरेशन और रॉ प्रोडक्ट का या सेमी फिनिश प्रोडक्ट का उसको डिस्कस किया जाता है। थर्ड है मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, इसमें जो है हमारे मैन का टोटल मूवमेंट कैसे हो रहा है उसको डिस्कस किया जाता है, उसको डायग्राम में द्वारा दिखाया जाता है। मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट सेम है कि कैसे मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। इक्विपमेंट और मशीन फ्लो चार्ट, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन है, मशीन कैसे फ्लो हो रही है। थर्ड है मल्टीपल एक्टिविटीज प्रोसेस चार्ट, मैन एंड मशीन प्रोसेस चार्ट, गैंग प्रोसेस चार्ट, इसमें पूरे एक साथ कई बैच या गैंग जैसे मशीन हो गया मटेरियल हो गया, मतलब एक से ज़्यादा चार्ट को दिखाया जाता है। अब डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स होते हैं, पहला है फ्लो डायग्राम जिसको प्रवाह आरेख कहते हैं, सेकंड है स्ट्रिंग डायग्राम जिसको डोरी आरेख भी कहा जाता है। अगला है वर्क मेजरमेंट। तो कार्य अध्ययन की इस दूसरी महत्वपूर्ण तकनीकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला है मानकीकरण, दूसरा है वर्क मेजरमेंट। तो पहला हम एक एक सीक्वेंस से समझते हैं। मानकीकरण, सर्वोत्तम कार्यविधि प्राप्त कर लेने के उपरांत उसका मानकीकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस नवीन
कार्यविधि में प्रयोग किए जाने वाले सभी यंत्रों, संयंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, उपभोग सामग्रियों, उत्पादन विधि, प्रसाधन प्रणाली आदि को पूर्ण रूपेण प्रभाषित करना व उन सभी का लिखित ब्यौरा रखना ही मानकीकरण कहलाता है। अगला है टाइम मेजरमेंट। मानकीकरण के पश्चात सर्वोत्तम कार्यविधि द्वारा उत्पादन में लगे समय अथवा संक्रिया को पीरियड ऑफ ऑपरेशन के मापन के समय अध्ययन को कहा जाता है। ये टाइम स्टडी है, समय अध्ययन। इसमें हर प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे उपयोग में लाई जा रही हैं उसको वर्क समय अध्ययन कहा जाता है। अब अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो पहला है कंपेयरिंग विथ अल्टरनेटिव मेथड्स। दूसरा है जो है कि आरंभिक मानव शक्ति की आवश्यकता का सही सही गणना करना। तीसरा पॉइंट है क्रियाओं का नियोजन व नियंत्रण। चौथा है फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम, उसके आधार पर हम वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। पांचवा पॉइंट है वास्तविक लागत गणना हेतु सुदृढ़ आधार प्रदान करना। छठा है लागत में कमी लाना तथा लागत को नियंत्रित करना। सातवां है अप्रशिक्षित अथवा अर्ध प्रशिक्षित वर्करों की पहचान करना। आठवां है नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु आधार प्रदान करना। नौवां है यंत्रों, उपकरणों व सहायक सामग्रियों की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। अगला है सर्वोत्तम कार्यविधि द्वारा मानक समय ज्ञात करना, प्रभावी उत्पादन कार्यक्रम आदि बनाने में। तो ये हमारे वर्क स्टडी के उद्देश्य थे। अब हम अगला हमारा जो है टाइम एंड मोशन स्टडी। समय तथा गति अध्ययन के उद्देश्य उत्पादन विधि तथा प्रक्रिया को सूक्ष्म अध्ययन, सर्वोत्तम कार्यविधि की खोज तथा समय व श्रम टाइम एंड एफर्ट के अध्ययन को रोक के अपव्यय को रोकना होता है। जो हमारा वर्क स्टडी है वो जो हमारे अपव्यय हो रहे हैं उसको स्टॉप करता है। अगला है मोशन स्टडी, गति अध्ययन। उत्पादन हेतु प्रयोग की जा रही मशीनों, यंत्रों तथा श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन करके उसमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना तथा कार्यकारी विधियों को प्रभावी अत्यंत सरल तथा क्रमबद्ध करना ही गति अध्ययन कहलाता है। समय अध्ययन के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण जो हैं, पहला है समय अध्ययन बोर्ड, दूसरा विराम घड़ी, तीसरा समय अध्ययन सीट, टैकोमीटर। टैकोमीटर बेसिकली इस गति को मापने के लिए होता है। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, चलचित्र कैमरा, कैलकुलेटर, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, समय अभिलेखन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, ये सारी चीज़ें हैं। अब समय अध्ययन के चरण क्या क्या हैं? पहले है स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा मानक लेखन स्टैंडर्ड राइटिंग प्रैक्टिस को से प्राप्त कार्यविधि का रिकॉर्ड करना तथा कार्य कर रहे श्रमिकों के बारे में पूर्ण आवश्यक जानकारी लिख लेना। कार्यविधि को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना तथा प्रत्येक भाग में लगा समय रिकॉर्ड कर लेना। थर्ड है कार्य में लगे श्रमिक तथा समय की तुलना सामान्य श्रमिक से करना, इसे रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग की सहायता से प्राप्त ऑब्जर्व टाइम से सामान्य टाइम ज्ञात करना, ये चार चरण है। समय मानकों का उपयोग, कार्य के मानक समय के साथ साथ समस्त गतियों, कार्यविधियों, मशीनों अर्थात संपूर्ण कार्य प्रणाली को मानकीकृत करने के फलस्वरूप जो मानक प्राप्त होते हैं समय मानक कहलाते हैं। प्रोत्साहन योजनाओं के आधार के रूप में मानक मिनट को परिभाषित करने में, मानक मिनट व बजट नियंत्रण में, श्रमिक लागत नियंत्रण में, लागत आकलन, और अगला है लास्ट है कार्यक्रम निर्धारण व उपलब्ध मशीनों तथा श्रमिकों के उपयोग में। तो ये टाइम स्टैंडर्ड के उपयोग हैं। अगला है
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोशन इकोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गतिमित्वता के सिद्धांत का प्रतिपादन श्री गिलबर्ट ने किया था। इसमें गति में बचत के इन सिद्धांतों का उपयोग श्रमिक की थकान में कमी लाने तथा श्रमिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कारखाने अथवा उद्योगों में लगातार उत्पादन कार्य चलने के व अत्यधिक कार्य करने के कारण श्रमिक थकान का अनुभव करते हैं। गतिमित्वता के सिद्धांत को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गतिमित्वता के सिद्धांत, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, एंड जो हमारा थर्ड है वह है प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब अगर हम कहें कि हमारे जो टाइम स्टडी और वर्क स्टडी की तुलना करें, तो हमारा टाइम स्टडी में जो करता है वो टाइम को नापता है, जबकि गति अध्ययन जो हमारा है मोशन स्टडी है वो कार्य को सिंप्लीफाइड करता है। टाइम स्टडी में कार्य को फास्ट तरीके से शीघ्रतम कराया जाता है, जबकि मोशन स्टडी में कार्य को सस्ता व सरल बनाया जाता है। टाइम स्टडी से मानक समय प्राप्त होता है, जबकि गति अध्ययन से मानक उद्देश्य प्राप्त होता है, टास्क प्राप्त होता है। टाइम स्टडी में गति अध्ययन के बाद किया जाता है तथा मोशन स्टडी या टाइम स्टडी से पहले किया जाता है। टाइम स्टडी को कार्य मापन कहते हैं, जबकि इस क्रिया को सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कहते हैं। तो अब जो है हम अपना देखते हैं कि छूट क्या होती है। कार्यविधि अध्ययन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि नई तथा उन्नत विधियों का विकास करके श्रमिक द्वारा जो एनर्जी को खर्च किया जा रहा है वो न्यूनतम हो। तो जो हमारा छूट है अलाउंसेस को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, छूट किसी कार्य को करने के लिए सामान्य समय के ऊपर दिया गया अतिरिक्त समय है। छूट निम्न प्रकार की होती है। पहला है आराम छूट, रिलैक्सेशन अलाउंस। इसमें पहला पार्ट है व्यक्तिगत आवश्यकता छूट, थकान छूट। सेकंड है आकस्मिक छूट, स्पेशल छूट, बाधा छूट और पॉलिसी छूट या नीतिगत छूट। तो ये सारी छूटें इसमें आती हैं। और इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है इसमें वर्क स्टडी में, जिसको हम कहते हैं माइक्रोमोशन स्टडी। तो माइक्रोमोशन स्टडी ऐसे ऑपरेशनों के लिए सर्वोत्तम तकनीक है जिनका कार्यचक्र बहुत छोटा होता है, तथा जो हज़ारों बार दोहराई जाती हो। जैसे एग्जांपल है डिब्बों में फूड कैन की पैकिंग करना। तो फूड कैन में यह जो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसके ऑपरेशन विश्लेषण का साधारण तरीकों में उपयोग नहीं किया सकता। ऐसी परिस्थिति में माइक्रोमोशन स्टडी का उपयोग करना ही सर्वोत्तम विकल्प होता है। माइक्रोमोशन स्टडी विभिन्न तकनीकों का एक सेट है, जिसके अंतर्गत मानव गतिविधियों के आवागमन के समूहों, जिसको ग्रुप मूवमेंट भी कहते हैं, अथवा माइक्रोमोशन में विभाजित कर दिया जाता है। इन समूहों के अध्ययन से ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आवागमन की विधियों में सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तथा इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम समय व न्यूनतम प्रयास लगना है। इस विधि को जहां उपयोग में लाया जाता है, जहां पर निम्न पॉइंट्स में से कुछ एक पॉइंट फॉलो हो रहे हों। पहला है कार्य में अधिक संख्या में इतनी द्रुत व सूक्ष्म गतियाँ हैं जिन्हें नग्न आँखों से निश्चित नहीं किया सकता। लंबे समय तक चलने वाला कार्य हो, कम समय तक चलने वाला कार्य हो, परंतु जिसका उपयोग दूसरे कार्यों पर हो रहा हो। कार्य समय मापन व कार्य योजना की एक सामान्य विधि के रूप में हो। कार्यविधि अभियंताओं को प्रशिक्षित करने में, गति समय डाटा एकत्रित करने में और कार्य अध्ययन के रिसर्च में। तो ये माइक्रोमोशन स्टडी के बारे में था, जो कि
हमारा वहाँ पे उपयोग लाया जाता है जहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो रहा है, और उसको नंगी आंखों से या एक ऑपरेटर के द्वारा देख पाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। बस